वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म साइना का ट्रेलर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन रिलीज किया जा चुका है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोगों के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। लोगों को फिल्म का ट्रेलर काफ़ी पसंद आ रहा है और ट्रेलर में परिणीति की दमदार एक्टिंग की भी जमकर तारीफ होने लगी है। आपको बता दें कि फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए परिणीति लिखती हैं, वुमेंस डे पर इसे शेयर करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। साइना 26 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जाहिर है वुमेंस डे के मौके पर इस महिला प्रधान फिल्म का ट्रेलर परिणीति के फैंस को जोश से भर देगा। इसी के साथ परिणीति की यह फिल्म उनके करियर की पहली स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म होगी। मालूम हो कि इस फिल्म में पहले श्रद्धा कपूर साइना नेहवाल का रोल निभाने वाली थी। उन्होंने फिल्म के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय बाद उन्हें डेंगू हो गया, जिसकी वजह से शूटिंग रुक गई। जब वह ठीक हुई तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, इस वजह से वह इस प्रोजेक्ट से अलग हो गई। इसके बाद परिणीति चोपड़ा को कास्ट कर लिया गया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।